गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज के क्लासेस में मैं जो प्रैक्टिस पेपर आप लोगों को जो भेजा गया है उसका सॉल्यूशंस बताऊंगा, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन दिया हुआ है, फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 8 एंड 12। 8 और 12 का क्या पूछ रहा है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल LCM फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, ठीक है? तो देखो, 8 और 12 का सबसे पहले आप मल्टीपल फाइंड आउट कीजिएगा, ठीक है? क्या फाइंड आउट करना है? मल्टीपल। तो क्या लिखोगे सबसे पहले? मल्टीपल ऑफ 8, मल्टीपल ऑफ 8, है ना? इक्वल टू क्या हो जाएगा? मल्टीपल ऑफ 8 इक्वल टू 8 के टेबल में क्या क्या आता है ना? तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 5 जा 8 4 जा 32 और 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, है ना? 8 7 जा 56 था, इस तरह से, है ना? अगला है मल्टीपल ऑफ 8 के बाद मल्टीपल 12 का मल्टीपल निकालना। मल्टीपल ऑफ 12, ठीक है? तो 12 के मल्टीपल्स कौन कौन से हैं उसको देखिए। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा, है ना, 36 जा, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, है ना, 12 6 जा, इस तरह से ये मल्टीपल्स हैं 12 के, ठीक है? तो अब क्या फाइंड आउट करना है? क्या बोल रहा है? कॉमन, है ना? तो कॉमन मतलब जो 8 का भी मल्टीपल हो और जो 12 का भी मल्टीपल हो, है ना? तो कॉमन मल्टीपल निकालेंगे, क्या लिखेंगे? कॉमन मल्टीपल, है ना, कॉमन मल्टीपल ऑफ 8 एंड 12। 8 एंड 12, 8 और 12 के कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से हैं? देखो, इसमें कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से हैं? 12 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, है ना? 36 इसमें है, इसमें नहीं है, 48 इसमें है, इसमें भी है, ठीक है? तो देखिए, ये जो 48 है दोनों में कॉमन है, इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है? तो क्या है 48, है ना? ये 24 भी है, यहाँ पर 24 भी है, तो क्या क्या हो गया? 24 और 48, ठीक है? तो इसमें से क्या बोल रहा है? लिस्ट बोल रहा है। लिस्ट मतलब होता है सबसे छोटा। यहाँ पर लिखेंगे लिस्ट कॉमन, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 8 एंड 12 इक्वल टू कितना होगा? लिस्ट मतलब सबसे छोटा, इन दोनों में से छोटा कौन सा है? 24। तो यहाँ आ जाएगा 24। तो आंसर कितना आ गया? 24। इस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड द एक्सीएफ ऑफ 16 एंड 20, ठीक है? 16 और 20 का क्या बोल रहा है? HCF फाइंड आउट करने के लिए। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, H फॉर हाईएस्ट, C फॉर कॉमन और F फॉर फैक्टर, ठीक है? 16 और 20 का, ठीक है? 16 और 20 का फाइंड आउट करना है, ठीक है? तो सबसे पहले 16 का आप क्या निकाल लोगे? फैक्टर, ठीक है? क्या निकालना है? फैक्टर। तो यहाँ पर लिखना आप फैक्टर ऑफ 16, क्या लिखोगे? फैक्टर ऑफ 16, 16 का फैक्टर क्या होगा? किसके किसके टेबल में 16 आता है? तो 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 3 में नहीं आता, 4 में आता है, 4 के टेबल में, 5 के टेबल में नहीं आता, 6 में भी नहीं आता, 7, 8 के टेबल में आता है 16, और 16 के टेबल में, ठीक है? एंड 16, ठीक है? अब फैक्टर ऑफ हम फाइंड आउट करेंगे 20, ठीक है? फैक्टर ऑफ 20, 20 के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? 1 है, 1 के टेबल में आता है 2 के, 4 के टेबल में भी आता है, ठीक है? 5 के टेबल में भी 20 आता है, 7 8 10 के टेबल में आता है, ठीक है? एंड 20 के टेबल में आता है, ठीक है? अब देखिए, दोनों का फैक्टर फाइंड आउट कर लिए, 16 और 20 का, ठीक है? फैक्टर फाइंड आउट हो गया, तो अब कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। क्या? कॉमन फैक्टर, ठीक है? क्या लिखेंगे? कॉमन फैक्टर ऑफ 16 एंड 20 का कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो देखो,
इन दोनों का जो कॉमन है जो दोनों में हो, ठीक है, ये वन भी है इसमें, इसमें भी वन है, टू इसमें भी है, टू इसमें भी है, फोर इसमें भी है, फोर इसमें भी है, ठीक है। तो देखो कौन कौन सा, वन टू फोर कॉमन हो गए, वन टू और फोर क्या हो गए, कॉमन हो गए, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, हाईएस्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, ऑफ 16 एंड 20। 16 और 20 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, देखो इन दोनों में से कॉमन हाईएस्ट क्या है, ये तीन कॉमन फैक्टर हैं, तो हाईएस्ट सबसे बड़ा तीनों में से कौन सा है, फोर, तो फोर क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 by 18 24, ठीक है, इसका एचसीएफ बोल रहा है, ठीक है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है इसी के अकॉर्डिंग बनेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग, ठीक है, सॉल्व द फॉलोइंग 2 by 10 multiply 3 है ना, तो 2 by 10 multiply 3 लिखा है, ठीक है। तो देखिए ये एक होल नंबर है, ठीक है, और तो इसके डिवाइड बाय में हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3 का 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 3, अब डिवाइड बाय 10 1 जा 10, तो आंसर कितना आ गया, 3 by 10। अब इसको बी नंबर को सॉल्व करते हैं, 3 by 9 multiply 1 by 5, दोनों के बीच में देखो, दोनों फ्रैक्शन के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है, तो ऊपर को न्यूमेरेटर को न्यूमेरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, तो कर देते हैं, 3 1 जा 3 हो जाएगा, डिवाइड बाय 9 5 जा 45, तो ये आंसर आ गया, बी का आंसर क्या आ गया, बी का आंसर ये हो गया। सी का देखो, सी का सॉल्यूशन, ये सी नंबर का सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, 9 divided by 1/2 है ना, तो यहाँ पर जो डिवाइड बाई का साइन है उसको हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो 9 है तो 9 लिख दिए, इसके डिवाइड बाई में आप 1 लिख सकते हो, ठीक है। अब डिवाइड बाई का जो साइन है उसको हम मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे, मल्टीप्लाई में चेंज करने के बाद जब डिवाइड बाई का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है तो ये क्या हो जाते हैं, आपस में उलट जाते हैं, ठीक है, मतलब न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमेरेटर बन जाता है, तो देखिए चेंज हो गया। अब देखिए इक्वल टू 9 2 जा 18 डिवाइड बाय 1 1 जा 1, तो आंसर कितना आया, 18 by 1 या फिर 18 लिख सकते हो आप, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन की ओर आगे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है एट द डेसिमल, यहाँ पर डेसिमल दिया हुआ है, डेसिमल को का एडिशंस करना है, ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 15.37 प्लस 12.8 दिया है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, इसको सबसे पहले इसको कॉलम में अरेंज कर लीजिए, 15.37 लिखा है तो यहाँ पर लिख लेंगे, आप लिख लेना 15.37 लिख लीजिए। अब ये जो पॉइंट है, पॉइंट को पॉइंट से मिलाना है, यहाँ पर 12 पॉइंट, ये देखो पॉइंट को पॉइंट से मिलाइए, पॉइंट जहाँ पर है वहीं पर पॉइंट लिखिए। अब क्या लिखा है, 1 2 है ना, 12 लिखा है तो 12 लिखो, और पॉइंट को पॉइंट से मिलाना है सीधा सीधा। अब 8 है देखिए, तो 8 को यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, अब यहाँ पर लाइन खींच लो और प्लस का साइन दे दो, क्योंकि यहाँ पर प्लस दिया है, ठीक है, 8 करने के लिए बोल रहा है। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो आप 0 यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है, कुछ नहीं है तो 0 डाल देना, 7 + 0 = 7, 8 + 3 = कितना होगा, 8 + 3 = 11 का 1, ठीक है, अब 1 कैरी आ जाएगा इधर। अब देखो यहाँ पर पॉइंट है ना, तो पॉइंट के सीधे में आप पॉइंट डालिएगा, अब 5 + 1 = 6 है, 6 + 2 = 8, 1 + 1 = 2, तो आंसर कितना आया, 28.17 आया, ठीक है, 28.17। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन है 11.02, तो यहाँ लिख लीजिए 11.02 लिख लिए, है ना, कॉलम में इस तरह से अरेंज करना। अब 8 पॉइंट, तो पॉइंट को पॉइंट से लिखना है, तो 8 को कहा, पॉइंट को पॉइंट से 8 है लिखा है तो 8 लिखो, और पॉइंट को इसी सीधे में, ठीक है, उसके बाद क्या है, 2 1, तो क्या लिखेंगे, 2 1, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा पॉइंट को आप पॉइंट से मिलाना, ठीक है, पॉइंट को पॉइंट के ही सीधे में लिखना है, ठीक है,
अब देखिए इधर से शुरू करना है, 2 + 1 = 3 और 0 + 2 = 2, अब पॉइंट का क्या होगा, पॉइंट ही लिखेंगे। अब 8 + 1 = 9 और 1 का 1, तो आंसर कितना आया, 19.23, ये आंसर आ गया। ठीक है, इसका आंसर ये आ गया। ठीक है, तो इस तरह से डेसिमल का एडिशन किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है सॉल्व द फ्रैक्शन, फ्रैक्शंस को सॉल्व करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, फ्रैक्शंस को क्या करने के लिए बोल रहा है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 3/5 + 1/4, देखिए ये डिनोमिनेटर को सबसे पहले देखना, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है, मतलब डिनोमिनेटर इसका डिफरेंट है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो 5 और 4 का एलसीएम फाइंड आउट कीजिए, 5 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, देखो किससे कटेंगे, ये दोनों किसी से नहीं कटेंगे। ठीक है, तो 5 4 जा कितना आएगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 4, तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम इक्वल टू 5 4 = 20, 20 क्या आ गया, एलसीएम आया। ठीक है, तो एलसीएम को आप लिखेंगे इक्वल टू 20 का 20 लिख देना, एलसीएम आया है, उसको लिख दिए नीचे में। ठीक है, अब देखो ऊपर में क्या क्या बचा है, न्यूमेरेटर 3 है तो 3 लिखेंगे और मल्टीप्लाई का साइन देना है। अब 5 का टेबल पढ़िए, 20 कट जाए, तो 5 4 = 20 प्लस का प्लस। अब देखो यहाँ पर 1 है न्यूमेरेटर, तो 1 को लिखेंगे, उसके बाद प्लस साइन देना है, सॉरी मल्टीप्लाई का साइन देंगे। अब 4 का टेबल पढ़ो, 20 कट जाए, तो 4 5 जा, है ना, 5 टाइम टेबल पढ़ेंगे तो कट जाएगा। अब देखो 3 4 = 12 है और प्लस का प्लस, 5 1 = 5 / 20 = 20। अब देखो 12 + 5 = 17 / 20। ठीक है, तो आंसर कितना आया, 17/20 आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बी नंबर का दिया हुआ है, बी नंबर का क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है, 3/7 / 1/7। देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही डिनोमिनेटर को लिख दीजिए और ऊपर क्या है 3 + 1, क्या कर देंगे 3 + 1। ठीक है, हुआ। अब देखिए 3 + 1 = 4 / 7 = 7, आंसर कितना आया, 4/7 आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बन गया। अगला देखते हैं 1/3 - 1/6, देखो 3 और 6 मतलब डिनोमिनेटर यहाँ पर डिफरेंट है, तो 3 और 6 का क्या फाइंड आउट करोगे, पहले एलसीएम। ठीक है, तो 3 और 6 का पहले एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब देखिए 3 किससे कटेगा, 3 से कटेगा, और यदि 3 लेंगे तो ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, तो 3 का टेबल पढ़ो, 1 जा और 3 2 जा, और कटेगा क्या, ये दोनों और नहीं कटेंगे, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा एलसीएम इक्वल टू 3 × 1 × 2, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वहीं आएगा, 3 × 2 करेंगे, 3 × 2 इक्वल टू 3 × 2 = 6, एलसीएम कितना आया, 6 है, तो यहाँ पर 6 को लिखना है, ऊपर में क्या न्यूमेरेटर में क्या है, 1 है, तो 1 लिखेंगे, मल्टीप्लाई का साइन देंगे। अब 3 का टेबल पढ़ो, 6 कट जाए, तो 3